दोस्तों फाइनल मुकाबले से ठीक पहले गुजरात टाइटंस के लिए आई बेहद ही बुरी खबर। घातक खिलाड़ी ने छोड़ दी है पूरी की पूरी टीम। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने टीम ही छोड़ दी है, यही सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं गुजरात टाइटंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर रहे रिद्धिमान शाह ने बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी नॉकआउट मुकाबले से खेलने से इनकार कर दिया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी कि PSB ने काफी बड़ा बयान उसमें शामिल किया है जिसमें बताया है कि उन्होंने कैसे इस यहां पर टूर्नामेंट को छोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों सहा इस समय IPL 2022 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे हैं, उनकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। लीग का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में खेला जाने वाला है और इस मुकाबले में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष ओवर डॉलमिया ने एक बयान दिया है और कहा है कि CSB चाहता है कि सहा ऐसे अहम मौकों पर जब बंगाल की रणजी टीम नॉकआउट मुकाबले खेलेगी और ग्रुप स्टेज टॉप पर रहने के बाद भी खिताब जीतने की कोशिश करेगी तब विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ रहना चाहिए था। मैंने सहा से यह बात की और उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुजारिश भी की थी। हालांकि सहा ने हमें बता दिया है कि वो रणजी ट्रॉफी नॉकआउट मुकाबला नहीं खेलना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों 37 साल के विकेट कीपर बल्लेबाज सहा जिन्होंने 122 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, उन्होंने पहले ही राज्य क्रिकेट संघ से इंटर स्टेट NOC के लिए अनुरोध किया है। इस मामले में SB ने एक आला अधिकारी के इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम क्या कर सकते हैं, अगर यह इतनी अड़ियल रुख अपना रहे हैं तो हम उन्हें NOC दे देंगे, लेकिन मेरी यही कहना है कि किसी भी खिलाड़ी को राज्य क्रिकेट संघ से मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सहा को ऐसा करना चाहिए था, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।